जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज जी ने घोषणा की है कि अब लॉकडाउन में बाहर जाने के लिए ई पास या फिर आई कार्ड की ज़रूरत होगी और वो आई कार्ड saralharyana.gov.in वेबसाइट पर बनाया जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे आप उस ई पास या फिर आई कार्ड को बना सकते हैं। अगर आपको लॉकडाउन में बाहर जाना है तो ई पास कंपलसरी है। तो आइए जानते हैं ई पास कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र पर जाना है और सर्च बार पर टाइप करना है सरल हरियाणा। जैसे ही आप सरल हरियाणा सर्च करेंगे आपके सामने सबसे ऊपर एक वेबसाइट का लिंक आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम सरल हरियाणा वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता है। इसमें आपको नीचे आना है। यहाँ आप देख सकते हैं न्यूली लॉन्च्ड स्कीम्स और सर्विसेज, पासिस टू रिज्यूम ऑपरेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग लॉकडाउन या फिर कर्फ्यू, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मूवमेंट पास फॉर जनरल पब्लिक अप्लाई टू कंसर्न डीसी। तो हमें सेकेंड पॉइंट पर क्लिक करना है, मूवमेंट पास फॉर जनरल पब्लिक। हमें इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मूवमेंट पास लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आपको नीचे आना है। जैसा कि आप देख सकते हैं नोट लिखा हुआ है, ई पास इज़ प्रोवाइडेड ओनली फॉर द फॉलोइंग। केवल नीचे दिए गए बिंदुओं के लिए ही आपको पास जारी किया जाएगा। दिस पास इज ओनली फॉर एमरजेंट मूवमेंट ड्यूरिंग लॉकडाउन। पास विल बी इश्यूड बाई डीसी ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। देखिए, आपको ये पास कोई एमरजेंसी मूवमेंट के लिए दिया जाएगा और ये जारी किया जाएगा आपके ज़िले के डीसी द्वारा। सेकंड पॉइंट है पैसेंजर्स एयर ट्रेन बस प्राइवेट व्हीकल कमिंग टू हरियाणा फॉर स्टे ऑफ मोर देन 3 डेज। और थर्ड पॉइंट है हरियाणा रेजिडेंट्स मूविंग टू अदर स्टेट्स इंक्लूडिंग दिल्ली, कि हरियाणा राज्य के वासी अन्य राज्य में जाना चाहते हैं तो भी पास बनवा सकते हैं। इन केस एनी इंफॉर्मेशन सबमिटेड इज़ फाउंड टू बी फॉल्स, लीगल एक्शन अंडर द लॉ शैल बी इनिशिएटेड। अगर आप किसी भी प्रकार की गलत जानकारी इस फॉर्म में भरते हैं तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो आप ध्यान से इंफॉर्मेशन भरिएगा। आइए देखते हैं फॉर्म को। सबसे पहले आपसे पूछा है कैटेगरी, और कैटेगरी में प्रीफिल्ड बॉक्स है, यानी कि पहले से ही भरा हुआ है एसेंशियल सर्विस, क्योंकि एसेंशियल सर्विस के लिए ही आप बाहर जा सकते हैं, तो आपको इस बॉक्स में कुछ नहीं करना है। सेकेंड बॉक्स है सब कैटेगरी का। सब कैटेगरी में देखते हैं क्या पूछा है। अटेंडेंट ऑफ कोविड पॉजिटिव क्वारंटाइन पर्सन फॉर मेडिसिन एट्सेट्रा, यानी आप केवल इस पर्पस के लिए बाहर जा सकते हैं। वो पर्पस क्या है? अगर आप किसी कोविड पेशेंट के अटेंडेंट हैं यानी केयर टेकर हैं और आप दवाई लेने के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कोल्ड स्टोरेज एंड वेयर हाउस, इनके स्टाफ भी जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं डिलीवरी ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, फूड डिलीवरी, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन, पैथोलॉजी लैब्स, ऑप्टिशियंस, सप्लाई चेन, ई कॉमर्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा। तो ये सारे जो सप्लाई करने वाले स्टाफ हैं ये भी जा सकते हैं एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट है एमरजेंसी, ये तो देखो खुला ही होना चाहिए, फायर और एम्बुलेंस। उसके बाद फिर एमरजेंसी सर्विस है, एमरजेंसी शेड्यूल्ड सर्जरीज, यानी सर्जरीज जो भी शेड्यूल्ड हैं पहले से ही वो भी अलाउ हैं। एग्ज़ाम्स, अगर कोई एग्ज़ाम है जो सरकार से अप्रूव्ड हैं वो भी आप एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, एनी स्टेट और सेंट्रल, केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारी भी मूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हार्वेस्टिंग एंड सोइंग मशीन्स व्हीकल्स, जो कटाई के लिए या हार्वेस्टिंग के लिए या सोइंग के लिए जो मशीन्स यूज़ होती हैं खेतों में उनकी मूवमेंट भी अलाउ है। नेक्स्ट पॉइंट है होटल्स, ओनली दोज होल्डिंग टूरिस्ट मेडिकल इमरजेंसी स्टाफ पर्सन्स स्ट्रैंडेड ड्यू टू लॉकडाउन। ऐसे होटल जिनमें टूरिस्ट हैं या फिर मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं, इमरजेंसी स्टाफ है, ऐसे पर्सन जो लॉकडाउन के दौरान वहीं फंस गए थे और वो अब होटल में रुके हुए हैं, इस प्रकार के होटल भी खुले हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री कैसी होनी चाहिए? मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की, क्योंकि मिल्क ख़राब हो जाता है तो उनको अलाउ करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है
IT, ITES, BPO, डाटा सेंटर्स, कॉल सेंटर्स, तो ये भी सब खुले हैं। मेडिकल इमरजेंसी, इसको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, खुलेगी। नॉन मेडिकल इमरजेंसी, ये भी खुलेगी। यानी इन सब के लिए भी आप ई पास बनवा सकते हैं। ऑनगोइंग क्रिटिकल ट्रीटमेंट्स, अगर कोई डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो भी, पेट्रोल पंप भी खुलेंगे, चाहे वो LPG हो, CNG हो। पेट्स इमरजेंसी, जानवरों के लिए भी कोई इमरजेंसी है तो वो भी खुलेगी। देखिए, जब इंसानों के लिए इमरजेंसी हो सकती है तो जानवरों के लिए क्यों नहीं हो सकती है। उसके बाद है पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन चलता ही रहेगा, तभी घर में लाइट आएगी। प्रेगनेंसी, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी, प्रोडक्शन यूनिट, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, ऐसी यूनिट्स या ऐसी फैक्ट्रीज जिसमें कॉन्टीन्यूअस प्रोडक्शन चलती रहती है और प्रोडक्शन बंद करने पे लाखों या करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है, ऐसी यूनिट्स भी, ऐसी फैक्ट्रीज भी खुली होंगी और उनके लिए आपको ई पास जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वारंटाइन एस्टेब्लिशमेंट, ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर क्वारंटाइन पीपल को रखा गया है। शेड्यूल्ड फ्लाइट्स, जो पहले से ही शेड्यूल्ड है, निर्धारित है फ्लाइट्स, वो भी, उनके लिए भी ई पास जारी किया जा सकता है। सीनियर सिटीजन रिलेटेड फूड, सीनियर सिटीजन के लिए कोई भी सुविधा हो वो भी, उसके लिए भी ई पास जारी किया जा सकता है। स्टाफ ऑफ क्लिनिक्स, इसके लिए कहने की ज़रूरत नहीं है। बैंक, ATM, ये सब खुले होंगे। स्टाफ ऑफ एसेंशियल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, एसेंशियल गुड्स का स्टाफ कहने की ज़रूरत नहीं है, खुला होगा। स्टाफ ऑफ रेलवे, एयरपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट केबल एंड ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, ये सब, इन सब के लिए भी ई पास बन सकते हैं। लास्ट है ट्रांसपोर्ट एसेंशियल गुड्स का। देखिए, ट्रांसपोर्ट होगी, बिल्कुल चलेगी ट्रांसपोर्ट, लेकिन वो होनी चाहिए एसेंशियल गुड्स के लिए ही। थर्ड पॉइंट है पास रिक्वायर्ड फ्रॉम, आपको कब से कब तक का पास चाहिए वो आपको भरना है। पास रिक्वायर्ड फ्रॉम और पास रिक्वायर्ड अप टू, कि कितने से कितने तारीख तक का आपको पास बनवाना है वो आपको भरना है। पर्पस, किस पर्पस के लिए आप कर रहे हैं, और वो होना चाहिए एसेंशियल सर्विसेज के लिए, जैसे मेडिकल हो गया या फिर कोई किराने की दुकान हो गई। तो इन सब पर्पसेस के लिए, जो अभी हमने सब कैटेगरीज आपको दिखाई हैं, सिर्फ इन्हीं पर्पसेस में से ही कोई पर्पस होना चाहिए तभी आप ई पास बनवा सकते हैं, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है यदि आप गलत इन्फॉर्मेशन भरते हैं, या फिर आपका पास जारी ही नहीं किया जाएगा आपके जिले के DC द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है व्हीकल टाइप, इसमें देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, व्हीकल टाइप भी अलाउ की गई है कि कौन कौन सी अलाउ होंगी। टू व्हीलर अलाउ होगी, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, हैवी गुड्स, मोटर व्हीकल, ये आप देख लीजिएगा। ये केवल यही जो व्हीकल्स हैं अलाउ हैं सड़कों पर। उसके बाद पूछा गया है मूवमेंट फ्रॉम, कि हरियाणा राज्य से आप किस डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं। पहले स्टेट पूछा है आपका हरियाणा है, उसके बाद आपका अपना एड्रेस। मूवमेंट टू, कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर मूवमेंट फ्रॉम था कि आप कहाँ से जाना चाहते हैं, वहाँ का एड्रेस भरना था। अब मूवमेंट टू है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। यहाँ आपको मूवमेंट टू में भरना है कि आप कहाँ जाना चाहते, वो राज्य और वो डिस्ट्रिक्ट और एड्रेस आप फिल कर दीजिएगा। नेक्स्ट है पर्सनल डिटेल्स, आप अपनी पर्सनल डिटेल्स भरना है आपको, आपका नाम, आपकी आयु, जेंडर क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार नंबर, आइडेंटिटी टाइप। आइडेंटिटी टाइप में देखते हैं आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट आईडी, सेंट्रल गवर्नमेंट आईडी, केवल यही आईडीज चलेंगी, और उसका आइडेंटिटी नंबर लिख देना। प्रोफेशन, आप क्या काम करते हैं, अपना एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट फिल कर दीजिएगा। उसके बाद है मेडिकल डिटेल, मेडिकल डिटेल में आपको फिल करना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है डू यू हैव अ स्मार्टफोन एंड हैव यू डाउनलोडेड द आरोग्य सेतु ऐप, कि आपने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है, हाँ या ना, वो आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा हैड कोविड टेस्ट बीन कंडक्टेड ऑन यू और योर फैमिली, क्या आपका कोविड टेस्ट हुआ है, हाँ या ना का जवाब आपको देना है। उसके बाद एडिशनल पर्सनल डिटेल्स देनी है, इसमें पूछा है आपका नाम, आयु, जेंडर। उसके बाद ऐड मोर फैमिली मेंबर्स, अगर आपके साथ और भी कोई फैमिली मेंबर्स आपके साथ ट्रैवल करना चाहता है तो उसकी भी आपको डिटेल भरनी है। उसके बाद आपको नीचे आके कैप्चा भरना है, जैसे एंटर द शो कोड जो लिखा है आपको कोड भरना है, उसके बाद सबमिट करना है। उसके बाद जैसे ही आपके ज़िले के जो DC साहब हैं वो आपका जब पास अप्रूव कर देंगे तो आपके पास मैसेज आ जाएगा ई पास का, फिर आप उस ई पास के आधार पर आप अपना ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको किसी भी प्रकार की गलत जानकारी नहीं भरनी है। तो ये था ई पास बनवाने का पूरा प्रोसेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है।